तो मोदी है ना, जो सर हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये पहले तो रंडवा है, ये रंडवा, इसको ये नहीं पता कि बच्चे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, घरवाली को क्या चाहिए। जो देश अपनी घरवाली नहीं सांभ सकेगा वो देश क्या सांभेगा। जितना ये प्रधानमंत्री गलत है, हमारे देश की रेल भेज दी, हमारे देश के जहाज एयरपोर्ट भेज दिए, हमारे देश की आर्मी भेज दी इसने। ये 5 साल के लिए एमपी बनते हैं, इनकी घरवाली की और इनकी पे दुनिया भर के लिए इनकी तनख्वाह पेंशन लग जाती है। क्या इसने क्या बम चलाए हैं, क्या कद्दू में तीर मारा प्रधानमंत्री ने। आपकी जो सेंटर सरकार है, बीजेपी सरकार है, कोई वैल्यू नहीं समझी और सैनिकों की कोई इज्जत नहीं है देश में। सैनिकों, जो सबका सैनिक है, उनको कुछ भी नहीं समझा जा रहा, उनकी कोई मांग पूरी नहीं की जा रही। जितनी भी डिमांड है ओआरओपीटू को लेकर, वो कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैसे लाखों की संख्या में जो है वो सैनिक यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है सैनिक मौजूद है। पूर्व सैनिक जो बॉर्डर पर रहकर सेवाएं दे चुके हैं, ये आज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो है कई 6 महीने हो चुके हैं जंतर मंतर पर शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो है सरकारें नहीं सुन रही हैं इनकी बात। आज ये रामलीला मैदान में भारी संख्या में मौजूद हुए हैं। मेरे पीछे आप इनको देख पा रहे होंगे, जो है इनके सीने पे जो है शाबाशी के मेडल देख पा रहे होंगे कैसे लगे हुए हैं। आपने सेवा दी है जिसके लिए प्रदान किया है। हमने देश के लिए सेवा की है, देश की सेवा की है, उसी की सेवा की बदौलत ये मेडल मिले हमारे। जो हमने सेवा की है देश की, 30 साल ड्यूटी की है, उसकी सेवा की बदौलत ये मेडल हमने मिले, हमारे को मिले हैं। लेकिन इन मेडलों की जो आपकी जो सेंटर सरकार है, बीजेपी सरकार है, कोई वैल्यू नहीं समझी और सैनिकों की कोई इज्जत नहीं है देश में। सैनिकों, जो सबका सैनिक है, उनको कुछ भी नहीं समझा जा रहा, उनकी कोई मांग पूरी नहीं की जा रही। जितनी भी डिमांड है ओआरओपीटू को लेकर, वो कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही। मेडल तो दे दिया शाबाशी के लिए, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ, पेट भरने के लिए तो मेडल नहीं है ना, पेट भरने के लिए तो तनख्वाह और पेंशन चाहिए ना। वो पेंशन सरकार काट रही है, और जो बनती है जायज पेंशन, जो हक है पेंशनर का, वो पेंशन का पूरा हक जो है वो नहीं मिल रहा। आपको ये मेडल किस बात के लिए मिला है? ये देश की सेवा के लिए मिले हैं, बहादुरी के मेडल। देश की सेवा की है, बॉर्डर के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बर्फ में, गर्मी में, सर्दी में, चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, ये उसकी बदौलत मिले हैं जी। आपके ये मेडल शाबाशी के लिए कब और कैसे दिया गया था? ये पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप हमारे को रामलीला ग्राउंड में कवर करने के लिए आए हैं। ये मैडम जो मेडल मिले हैं, ये हमने ग्लेशियर में नौकरी की है, हमने नागालैंड में नौकरी की है, हमने श्रीलंका में जाकर, उधर जो श्रीलंका में गए थे हम, उधर जो हम एलटीटीए से लड़ाई लड़ी है, ये उनकी बहादुरी के मेडल मिले हुए हैं हमारे को। क्या सिर्फ मेडल से पेट भर जाता है? मेडल से पेट नहीं भरता। ये जो मोदी है ना, जो सर हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये पहले तो रंडवा है, ये रंडवा, इसको ये नहीं पता कि बच्चे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, घरवाली को क्या चाहिए। जो देश अपनी घरवाली नहीं सांभ सकेगा वो देश क्या सांभेगा। इसको मंत्री के लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देते आपको, आप सैनिक हैं। हम सैनिक हैं, हम तो 20-25 साल नौकरी करते हैं, हमारे को चंद के पैसे मिलते हैं पेंशन के लिए। ये 5 साल के लिए एमपी बनते हैं, इनकी घरवाली की और इनकी पे दुनिया भर के लिए इनकी तनख्वाह पेंशन लग जाती है। क्या इसने क्या बम चलाए हैं, क्या कद्दू में तीर मारा प्रधानमंत्री ने। जिनके मेडल मिले हुए हैं हमारे को, क्या सिर्फ मेडल से पेट भर जाता है? मेडल से पेट नहीं भरता। ये जो मोदी है ना, जो सर हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये पहले तो रंडवा है, ये रंडवा, इसको ये नहीं पता कि बच्चे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, घरवाली को क्या चाहिए। जो देश अपनी घरवाली नहीं सांभ सकेगा वो देश क्या सांभेगा। इसको मंत्री के लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देते आपको, आप सैनिक हैं। हम सैनिक हैं, हम तो 20-25 साल नौकरी करते हैं, हमारे को चंद के पैसे मिलते हैं पेंशन के लिए। ये 5 साल के लिए एमपी बनते हैं, इनकी घरवाली की और इनकी पे दुनिया भर के लिए इनकी तनख्वाह पेंशन लग जाती है। क्या इसने क्या बम चलाए हैं, क्या कद्दू में तीर मारा प्रधानमंत्री ने, क्या लोगों ने वोट राष्ट्र राष्ट्रभक्त कहे जाते हैं। कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, कौन बोलता है राष्ट्रभक्त है ये।
तमाम जो जनता है, तमाम लोग हैं, कहते हैं मोदी से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई है ही नहीं। मैं ना जिन्ना ये प्रधानमंत्री गलत है, हमारे देश की रेल भेज दी, हमारे देश के जहाज एयरपोर्ट भेज दिए, हमारे देश की आर्मी भेज दी इसने, हमारा ब्रूड पसला भेज दिया इसने। पूरी धांधली है, शहीद फौज के अंदर शहीद जवान होता है, ये मेडल ही जवान लगता है, छह मेडल ये गोली के पीछे में लगाते हैं, गोली जवान को लगेगी, साढ़े तीन साल हो गए हैं ये आरोपी का, वो आरोपी जवानों के लिए बना था, अफसरों के लिए नहीं बना, ताकि जो नीचे रैंक से रिटायर हो गए उन लोगों को एक जीवन स्तर अप कर सके। आज जवान हमारा देश का दुर्भाग्य कि जवान ये जमीन पे बैठा है, 95% जवान थे जिन्होंने मेजर जनरल सतवीर सिंह जी के साथ कंधा मिलाकर काम किया था, 95% वो लोग पूरा बेनिफिट ले गए, 5% जवान को हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं था, इनकी सबके आगे मंद थी, रक्षा मंत्री तीनों चीफ बैठे थे, इनके आगे मंद थी, जवान की तो 95% है, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव उसमें कितने परसेंट है? आपने किस हिसाब से कमेटी बनाई? 60,000 करोड़ जितना भी फंड सैंक्शन हुआ आम जनता का फंड है, वो मिसयूज क्यों हुआ? आज जवानों को यहाँ जमीन पर बैठना पड़ा, आज जवानों को इस तरह एक विधवा अफसर के पीछे 15,000 रुपए ले और जवान के 15,000 रुपए शहरों में लेंगे, क्या अपना जीवन यापन करेंगे? हम विकासशील देश बनना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी की बात करते हैं, इन जवानों की बात नहीं सुनी, आधा एक घंटा में बड़े बड़े नेशनल मीडिया फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता, आज मिनिस्टरों के कितने बच्चे फोटो हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, दर्द तो तब जानेंगे जो बर्फ में रहता है, दर्द तो वो जानेंगे जो उन रेगिस्तानों में रहता है, उन टेम्परेचरों में रहता है, वो गोली नहीं देखता, मेरे एक मिनट में कितनी गोलियां सीधे आज भी जवान 80 साल 100 साल के जितने हमारे बुजुर्ग आए, 65 लड़ाई लड़ी, 71 लड़ाई, आज भी देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार है, क्यों? एक देश की भावना है, और जो देश भावनाओं के समान जवान आज इस तरीके से जमीन पे है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मोदी जी अपने मन की बात करते हो, लेकिन इन जवानों के मन की बात सुनो जरा, किस तरीके से विधवाएं और हमारे MSP का डिफेंस रखा है, बहुत विसंगतियां, अभी के समय है, अभी भी सुधार किया जा सकता है, और ये हमारी अभी भी विनम्र प्रार्थना है, 2024 से क्या पहले ये चीज का विसंगतियां दूर की जाए। ये सोचना बेहद जरूरी है, और अगर ये पूर्व सैनिक जो बॉर्डर पर सेवा